महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। तानाजी सावंत ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में जब वे अजीत पवार के बगल में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर शरद पवार पार्टी का भी बयान सामने आया। शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा, शिंदे सेना के नेता तानाजी सावंत का यह कहना कि कैबिनेट मीटिंग में अजीत पवार के बगल में बैठने पर उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है, यह एक अलग तरह का अपमान है। इससे पता चलता है कि महायुति को अब उनकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी धीरे धीरे अजीत पवार को महायुति से बाहर कर दे। अजीत पवार के लिए जागने का समय आ गया है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। तानाजी सावंत ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में जब वे अजीत पवार के बगल में बैठते हैं तो उन्हें उल्टी आती है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर शरद पवार पार्टी का भी बयान सामने आया। शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा, शिंदे सेना के नेता तानाजी सावंत का यह कहना कि कैबिनेट मीटिंग में अजीत पवार के बगल में बैठने पर उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है, यह एक अलग तरह का अपमान है। इससे पता चलता है कि महायुति को अब उनकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी धीरे धीरे अजीत पवार को महायुति से बाहर कर दे। अजीत पवार के लिए जागने का समय आ गया है।